लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है। जैसा कि सभी जानते हैं, बीजेपी को यूपी में उम्मीद से काफी कम सीटें मिली हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी अयोध्या की फैजाबाद सीट से भी चुनाव हार गई है। अयोध्या का नाम बार बार इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि इसी साल जनवरी में ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी, जिसमें पीएम मोदी ने पूरे कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन इन सबके बावजूद अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या से बीजेपी की हार को लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को जमकर फटकार लगा रहे हैं। अब इस पर कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। दीपक सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि लोकसभा 2024 के परिणाम आने के बाद से ही जहां पवित्र धाम अयोध्या जी और अयोध्या वासियों को सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही हैं, वहीं भगवान श्री राम में आस्था रखने वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। यही नहीं, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के लड़के लड़कियों से शादी न करने तक की बात लिखी जा रही है। अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग। आगे उन्होंने पत्र में लिखा है कि लोग कह रहे हैं कि कोई अयोध्या के लोगों के साथ व्यापार न करे, अयोध्या वासियों का कोई सामान ना खरीदे, उन्हें कोई सामान ना देने की बात लिखी जा रही है। इससे आम जनमानस व असली राम भक्त आहत हो रहे हैं। असली राम भक्तों में गुस्सा बढ़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि ऐसे अराजक लोगों को चिन्हित कर तत्काल उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसे कृत्य भविष्य में ना दोहराया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। गौरतलब है कि बीते 4 जून को उत्तर प्रदेश समेत देश भर की 543 लोकसभा सीटों के नतीजे आए थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही थी, लेकिन नतीजे वाले दिन बीजेपी को महज 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद बीजेपी फैजाबाद सीट पर अपनी जीत लगभग तय मान रही थी, लेकिन नतीजे बीजेपी की उम्मीदों से विपरीत रहे। अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद सोशल मीडिया यूजर अयोध्या वासियों को लेकर तरह तरह की टिप्पणी कर रहे, जिस पर कांग्रेस के पूर्व एमएलसी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।